साइकिल कैब यहाँ लगाएँ। ये जगह नॉर्थ कराची के एक जो कहते हैं लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के एक एरिया है, ये कवर करता है यहाँ से लेकर सुरजानी टाउन, सुरजानी से आगे नॉर्दर्न बाईपास की पूरा एरिया कवर करता है हॉस्पिटल। और ये आइडिया इस वजह से हमने कैंप लगाया है तो लोगों को अवेयरनेस हो। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, प्योर पेशेंट होते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको पैसे नहीं होते। हमने इस वजह से कैंप की अरेंजमेंट की है कि डायबिटीज़ को हमने बिठाया है उसके साथ, क्योंकि डायबिटीज़ होती है तो साथ में उनका किडनी का इश्यू होता है, तो हमने नेफ्रोलॉजिस्ट को भी साथ बिठाया। इसके साथ अगर डायबिटीज़ के साथ क्या होता है कि हार्ट पेशेंट भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो हर जगह इफेक्ट कर रहा होता है। हमने इस वजह से ये अवेयरनेस के लिए कि पेशेंट जो डायबिटीज़ के हैं वो उनका किडनी भी सही देखें और उसका हार्ट का भी प्रॉब्लम सही करें। और फ्री हमने इसलिए लगाया है कि पेशेंट आए वो उनको अवेयरनेस मिले सारी चीज़ें, इस वजह से हमने ये कैंप लगाया। जो फाइनेंशियल लोगों को मसाइल रहते हैं उसकी वजह से वो अपनी बीमारी को लेके घर पे बैठ जाते हैं और दिखाते नहीं हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आता है कि वो फ्री मेडिकल कैंप में तमाम कंसल्टेंट्स को मुफ्त में फ्री में दिखा सकते हैं। हम गायब गाय इस तरह के कैंप्स करते रहते हैं और पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट, फ्री टेस्ट, डिस्काउंटेड टेस्ट और तमाम दे होते हैं। आज काफ़ी पेशेंट आए जिनको हम लोगों ने फ्री ट्रीटमेंट की है, उनको गाइडेंस दी है, उनको मेडिसिन फ्री दी हैं, उनके टेस्ट हुए हैं सब्सिडाइज्ड रेट पे। तो कैंप इस तरह के कैंप्स अगर हर जगह हों और इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जाकर कैंप करें, उनके आगे ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनके अपार्टमेंट्स के अंदर कैंप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत मिले और लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सहूलत से, हमारी सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। बहुत अच्छा ये कैंप रहा और मैं फयाजी जनरल हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक इतनी ऐसे एरिया में लो सोशो इकोनॉमिक कह लें या लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है और मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट आए हैं और वो बहुत ही बेचारे पुअर पेशेंट्स थे जिनको ये भी नहीं पता था कि उनको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही मुफीद और एक अच्छा कैंप रहा है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अवेयरनेस के बारे में, डायबिटीज़ की जैसे अवेयरनेस है जो पढ़े लिखे लोगों में काफ़ी ज़्यादा और बेहतर होती है, वहाँ काम आसान होता है, लेकिन यहाँ पेशेंट को एजुकेट भी करना था तो उस पर हमने काम किया। यहाँ पर इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। इस कैंप में ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के आए और अनएजुकेटेड पेशेंट थे ज़्यादातर, उनकी तालीम नहीं थी, उनको समझाना और एजुकेट करने पे हमने ज़्यादा काम किया। पेशेंट के रिस्पॉन्स से तो यही लग रहा था कि उनको समझ आ रही हैं बातें, आसान लफ्ज़ों में हमने उनको बातें समझाई। जो सीरीज़ ऑफ कैंप का हमने लगाया अभी देखिए, नेक्स्ट 18 को हमारा फिर कैंप है, 18 जुलाई। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम पीट्स कर रहे हैं, हम इसमें गायनी क्या कर रहे हैं क्योंकि जच्चा बच्चा दोनों साथ होते हैं। इसके साथ हमने मेडिसिन का कैंप है, इसके साथ मेडिसिन के साथ सर्जरी का कैंप भी है, उसमें हम स्किन वाले को भी हमने रखा हुआ है।